नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम C++ के अंदर करेंगे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमारा सेम उसी तरह से है जिस तरह से एक्सेल के अंदर हम करते हैं शीट में आपके रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को। जैसे अगर मुझे एक्सेल में कुछ परफॉर्म करना है तो मैं फॉर्मूला कैसे लगाता हूँ, इक्वल टू सम A1 और उसके बाद स्पेसिफिक रेंज कि मुझे A1 से लेके किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक वो डाटा रिप्रेजेंट करना है। तो एक्सेल के अंदर वो जो A1 B1 C1 D1 ऐसा कुछ मेरे पास होता है वो मेरे पास वेरिएबल्स ही होते हैं। तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल है ये कुछ नहीं, जस्ट आपकी मेमोरी की लोकेशन का नाम है कि आपने मेमोरी की एक पर्टिकुलर लोकेशन को किसी और वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड कर दिया है। अब जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो वो रूल आपकी सिचुएशन के हिसाब से वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। कई लोकेशंस के ऊपर रूल आपके यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर डाटा को प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके रूल अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं तो आपके रूल सेम रहेंगे। अब अगर मैं किसी वेरिएबल को क्रिएट कर रहा हूं तो उस वक्त क्या रूल फॉलो होते हैं, जो भी वेरिएबल का नाम है वो कॉम्बिनेशन होगा 1 to 31 अल्फाबेट्स का कि आप यहां से A से लेके Z तक किसी भी अल्फाबेट को यूज कर सकते हो। डिजिट और अंडरस्कोर किसी भी कॉम्बिनेशन को आप परफॉर्म कर सकते हो। कुछ वेरिएबल नेम ऐसे होते हैं आपके जो आपके 247 करेक्टर तक वर्किंग को सपोर्ट कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कंपाइलर के अंदर। और इसी तरह से अगर हम सिंपल बात करते हैं तो आपके पास ये हमेशा रहता है कि आप मैक्सिमम 31 करेक्टर तक की वेरिएबल को नाम दे सकते हो। और हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि हम ज़्यादा लंबे वेरिएबल के नाम को दें क्योंकि आपको ही वो रिमेम्बर करना टिपिकल हो जाते हैं। सेकंड रूल कि जो हमारा फर्स्ट करेक्टर है वेरिएबल नेम का वो हमेशा अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। जैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट के डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो स्टूडेंट का डाटा क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, उसकी फीस है, कोर्सेज है। तो जब भी हम ऐसी वर्किंग को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे वन स्टूडेंट नेम। हम किस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास, स्टूडेंट अंडरस्कोर फी, इस तरह से हम वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। तो जो फर्स्ट करेक्टर है वेरिएबल का वो हमेशा आपके अल्फाबेट को ही रिप्रेजेंट करता है। कोई भी कोमा और ब्लैंक्स आपके वेरिएबल नेम के अंदर अलाउ नहीं होंगे। और इसी तरह से आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो और कोई भी आपका स्पेशल करेक्टर यूज नहीं होगा। C++ में हर इंस्ट्रक्शन आपकी सेपरेट स्टेटमेंट के तौर पर लिखी जाती है जिससे आपको ये पता लग जाता है कि आपकी स्टेटमेंट कहाँ फिनिश हो रही है। और इसी तरह से जब हम स्टेटमेंट प्रोग्राम की कोई लिखते हैं तो उसका ऑर्डर हमें उसी ऑर्डर में लिखना होता है जिस ऑर्डर के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वरना क्या होगा कि आपका जो लॉजिक है प्रोग्राम का वो आपके लिए गलत वर्किंग को परफॉर्म कर देता है और हो सकता है वो किसी दूसरी स्टेटमेंट पे जंप कर जाए जो आपके सिक्वेंस को ब्रेक करती है। ब्लैंक स्पेस मे बी इंसर्टेड बिटवीन टू वर्ड कि जो ब्लैंक स्पेस है ये दो वर्ड्स के अंदर आ सकते हैं उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन वेरिएबल कांस्टेंट और कीवर्ड के अंदर आप इसको यूज नहीं। जितने भी स्टेटमेंट है आपकी C++ के अंदर वो सभी के सभी स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है। C++ has no specific rule to position at which statement is to be written। आपकी स्टेटमेंट लिखने के लिए यहां पर C के अंदर कोई रूल नहीं है, तो आप फ्री फ्रॉम लैंग्वेज हो, कैसी भी स्टेटमेंट यहां पर लिख सकते हो। एवरी C++ स्टेटमेंट मस्ट बी एंड विद अ सेमीकोलन, दस अ सेमीकोलन एक्ट अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर कि जो भी हमारा यहां पर C++ स्टेटमेंट है उसका हम एंड करते हैं यहां पर सेमीकोलन के साथ, और जो सेमीकोलन है वो आपकी स्टेटमेंट के टर्मिनेटर के तौर पर काम करता है। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको अगर कोई प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को यूज करना है तो आपको वो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। और जब हम यहां पर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करते हुए क्या होता है आपके पास कि आपको उस वेरिएबल को डाटा कैसा प्रोवाइड करवाना है आपको वो भी देना हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो डिक्लेयरिंग है वो आपके कंपाइलर को ये बताती है कि वेरिएबल के अंदर डाटा कैसा है, वेरिएबल का नाम क्या है और जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, जब तक कंपाइलर को उसके बारे में पता नहीं होगा तब तक वो उसको एक मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको बताया था कि जो इंटीजर है उसकी मेमोरी स्टोरेज अलग होती है, जो फ्लोट है उसकी मेमोरी स्टोरेज अलग होती है, जो करेक्टर है उसकी मेमोरी स्टोरेज आपको अलग रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसी से जो डिक्लेरेशन है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके कंपाइलर को इन्फॉर्म करने के लिए कि जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है वो किस डाटा टाइप को यूज करेगा जो हमें प्रोग्राम के लिए चाहिए। तो डिफाइनिंग वेरिएबल का मतलब क्या है कि कंपाइलर ने आपको असाइन करनी है एक स्टोरेज लोकेशन उस वेरिएबल के लिए ताकि प्रोग्राम में उसको यूज कर सके। वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्या है, कई बार क्या होता है कि हमें किसी डाटा की बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती है
तो अगर हमें किसी डाटा की बार बार रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेरिएबल को एक वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाती है। इसी तरह से हम वेरिएबल को एक्सटर्न कीवर्ड के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। आप एक्सटर्न कीवर्ड लगाइए, अगर आप नहीं भी लगाते तो भी वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सटर्न टाइप में ही लेता है। यू कैन डायरेक्टली डिफाइन अ वेरिएबल इनसाइड द मेन फंक्शन। हम मेन फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, int a कोमा b कोमा c करेक्टर a, ये मेरे वेरिएबल डिक्लेरेशन के पार्ट है कि मुझे एक वेरिएबल इंटीजर चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट के अंदर मैंने तीन वेरिएबल इंटीजर के लिए हैं और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक वेरिएबल करेक्टर डाटा लिया है। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं किसी भी वेरिएबल को। जैसे मैंने यहाँ पर इंट ए लिया, ए को 10 प्रोवाइड किया, मैं इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। या मैंने कर दिया इंट ए इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 10, बी इक्वल टू 20, बी की वैल्यू 20 और सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।